सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान। वेलकम टू सारीम स्टूडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। अस्कलाओं के अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाए। पत्तियां रोज गिरा जाती है और हमें पेड़ लवे लवे दियों की। राहत इंदौरी को शायद ऐसे ही पढ़ना चाहिए, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। नूर बन के जमाने में भेज जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में भेज जाऊंगा, जो आफताब में कीड़े निकालते रहे। घरों के धसते हुए, और जिसमें घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स ये जितने लोग हैं सब ग्राम में डाल ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात, तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया था। घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, यह डॉक्यूमेंट। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज, हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मंजर ने बताया कि यहाँ पर कई 2-3 लाख का मजमा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं खुदा की कसम यहाँ से चांद और सूरज निकल आए मेरी आंखों से। इथा इसी महफिल है। मैं सुनाता हूँ कि आप सब हैं, जितने भी हैं, सबके लिए मेरा मिसरा है कि साथ चलना है। ये जो बच्चे आए हैं जामिया से, लड़कियाँ आई हैं, बेटियाँ आई हैं, इन सबको शरीक करता हूं। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। चार मिसरे और सुन लीजिए। पिछले दिनों फैज की नज्म के माने तब्दील कर दिए, पूरे हिंदुस्तान के ही माने तब्दील की जा रहे हैं। उर्दू ज़बान के शायर पर भी ये शमगाजगिरी। मैं ये रीत मेरी हैसियत नहीं कि मैं फैज की दिफा में कुछ कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी जुबान में अगर कोई शायर जुल्म के खिलाफ लिख रहा है तो ये मेरी तायीद है उसके लिए। और मेरे ये चार मिसरे हैं, खास तौर पर इस जलसे में सुनाना चाहता हूँ। मेरे पीछे में बहुत ही मौजूदीन हैं, वैसी साहब से गुजारिश है, कह रहा हूं कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर। क्या लेगा, क्या लेगा, क्या लेगा? उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? दिखा शमशीर, शुक्रिया। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे। सिर्फ एक शेर, ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे। तू समझता है कि शायर है, कर क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा फर्क के तेरे। तू समझता है कि शायर है। एक मैं आमतौर पर सरसोली साहब में जानते भी हैं, आप भी ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी नहीं करता और कोशिश करता हूँ टल जाए। लेकिन आज अजीब और गरीब मामला हुआ कि मैं इंदौर से चला हूँ, जब से लगा के कम से कम दर्जन भर फोन मेरे पास आए कि राहत भाई, हम वो सुनने के लिए आज के जलसे में आएंगे, गज़ा खास कर। तो मैं इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकता। लाखों लोग सुनना चाहते हैं। ये डेढ़ मिनट में इंशाल्लाह गज़ल खत्म हो जाएगी। मुझे वक्त देने के खुदा के लिए। लाभ है होने तो जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, इधर भी हैदराबादी तो आजाद मजा आ जाता है। यहाँ सामने के इनके भरोसे तो क्या करता हूँ, कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने को, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ में होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के सद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के सद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूँ। जरा सा बारीक शेर है, लेकिन मैं ये भी मुझे एहसास है कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूँ, तो मेरा शेर जाय नहीं होगा। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान। एक फरशौरी साहब, जरा सा मुझे इजाजत दे दें कि कुछ सेकंड के लिए एक बात भी कह दूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त चला, एक ऑडियो जो तकरीर एक साहब कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन साहब है, यहाँ तो जितने भी ये साहब ही होते हैं। तो वो साहब कह रहे थे कि उर्दू का एक शायर है राहत इंदौरी, जो जिहादी। तो मैं हैरत में पड़ गया कि भाई मैं, मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया, बहुत परेशान हुआ, तरफ करवटें लेता रहा, सारी शब्द गुजार दी सोचते सोचते कि हूँ कि नहीं। और साहब सुबह फजर की अजान हो गई, फजर की अजान हुई तो मैंने अल्लाह से लो लगाई कि अल्लाह तो ही मुझे कुछ इशारा फरमा कि मैं हाँ भी मैं जोर से बोलूंगा जब तो आवाज़ आएगी। अभी कहाँ धीरे बोल रहा हूँ मैं ना, तो अब जरा सर सुन लें आप, मैं आपके काम की बात जाया नहीं होने दूंगा, आप उनके बिना बैठे। मैंने कहा अल्लाह तू ही कोई रोशनी दे मुझे, कोई इशारा कर कि मैं जिहादी हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे बता रही है कि नहीं, तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ तुम हो अलग। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि अगर अलग हूं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साहब 2 लाइनें लिखी, 3 लाख लोगों की तरफ से पढ़ रहा हूं ये शेर संपत भाई की मौजूदगी में। अगर यहाँ ये मंजर ने कहा कि मेरे सामने लाखों लोग हैं, तो इन लाखों लोगों की तरफ से राहत इंदौरी में शरीक होकर आप सबके लिए ये शेर पढ़ रहा हूं। हर शख्स के दिल में यही है जो मैं कह रहा हूं। कहता हूं कि मैं जब जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा, हथेली में जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। संपत भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही ना? हाँ, तो मैंने बोला था जब आपके काम की बात शुरू होगी तो बोल दो। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी इसमें कौन सी बात कहती है? बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है ये आदमी, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। दो शेरों पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। यहाँ कहा जाता है इंशाअल्लाह, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है, ये असलम भाई की तरह एक जलसा हो रहा था। असलम भाई की तरह हिंदी के एक बड़े राइटर अशोक चक्रधर वो निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, जिस तरीके से असलम भाई कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जो आज साहिब मसनद है, तो मैंने कहा यार ये साहिब मसनद हिंदी वाले शायद ना समझ पाए, तो मैंने कहा कि अशोक भाई ज़रा ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहेंगे, ज़रा ये बता दीजिए। तो उन्होंने एक पेशानी पर एक उंगली फेरी और कहा कि इसे कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा रहने दीजिए, फिर साहिब मसनदी ठीक है। तो कहता हूं कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान को। आज साहिब मकसद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। आखिरी शेर पढ़ता हूं। अफसोस कि मीडिया ने, अखबारात ने, जो भी जरिया इन्हें मिला इस शेर को बना दिया कि ये बता दिया कि ये किसी मुसलमान का शेर है, या किसी ने लिख दिया कि किसी हिंदू का शेर है। ये मुझे इसका दुख है, इसका अफसोस है। ना तो ये हिंदू का शेर है, ना ये मुसलमान का शेर है। ये हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, अगर वह हिंदुस्तानी है तो मेरा ये शेर उसकी आवाज है, उसका शेर है। किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी, किराएदार हैं जाति। ये देखो, ये वाली आवाज नहीं आ रही होगी आपको, इसलिए कि मैं धीरे बोल रहा हूं। किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का